आज का ट्रेनिंग सेशन होने वाला है थोड़ा सा लेट, अभी 12 बज गए हैं। गुड आफ्टरनून स्लैश गुड मॉर्निंग, आपको जो भी कहना है। सिद्धांत और शिवि 5 मिनट में इवॉल्व के यहाँ पहुंच रहा है और मैं निकलूंगा यहाँ से, क्योंकि 12 बज गया है। हाफ स्कूप से आज काम चल जाएगा। आई मीन टेक्निकली एक स्कूप लेने का टेम्पटेशन आ रहा है, बट आई डोंट रिस्क इट। कल फ्लाइट है, आज रात को अच्छे से सोना है। Not again. क्या चाहिए इन कबूतरों को यार? अगर मैं अपने खुद के पार्किंग में गाड़ी पार्क ना करूं, हमेशा ये होता है। Like 100% of the time, कबूतर इस विंडशील्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिद्धांत और शिवि को इवॉल्व में लेके जाने के साथ साथ एक और चीज थी जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, और वो था दोराबजीज। दोराबजीज मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब है, मेनली बिकॉज ये एक रूटीन बन चुका है। एंड इस दिन पे शिवी को बहुत डिहाइड्रेटेड फील हो रहा था और सिर को एज ऑलवेज ग्लूकॉन डी चाहिए था। सो आई वाज लाइक, इससे बेहतर टाइमिंग क्या हो सकता है? हमें ORS मिला, हमें ग्लूकॉन डी मिला, मैं उन दोनों को दोराबजीज अच्छे से दिखा पाया। द प्लेस वेयर आई गेट चिकन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई गेन्स। पर एक फनी चीज हुई, चीज ये थी कि उस ग्लूकॉन डी के पैकेट के साथ साथ एक बोनवीटा का पैकेट फ्री मिलना था, बट वो हमें नहीं मिला। लेकिन ये जगह नहीं देखी थी मैंने, वहीं तक खत्म है जिम। वाओ मैन, कितना अच्छा लग रहा है। सो आज साकेत और मैं इवॉल्व जिम में एक आर्म सेशन लगाने वाले हैं, जो स्टार्ट होएगा शोल्डर फोकस ट्रेनिंग से। सो स्मिथ मशीन सीटेड ओवरहेड प्रेस करेंगे, जिसमें से हम स्टेबलाइजिंग का जो कंपोनेंट होता है, जो कि हम नॉर्मल बारबेल के साथ करते हैं, वो हटा के विल जस्ट फोकस ऑन द लोडिंग बिट ऑफ इट, फुली फोकस्ड ऑन मसल स्टिमुलस, फॉलोड बाय अ सुपर सेट ऑफ स्टैंडिंग डंबल लैटरल रेजेस एंड लाइंग सिंगल आर्म डंबल लैटरल रेजेस। तो 3-3 सेट करेंगे हम अबाउट 10-12 रेप रेंज में, फॉलोड बाय फिर आएगा हमारा बाइसेप और ट्राइसेप का वर्कआउट। सो विल बी स्टार्टिंग बाइसेप का जो एक्सरसाइज है विद वन लोडिंग कॉम्पोनेंट, विच विल बी द डम्बल हैमर कर्ल्स, हैवी मूवमेंट, 8 reps ईच साइड। एंड उसी के बाद विल डू ट्राइसेप पुश डाउन, सो केबल पे बारबेल पुश डाउन, बारबेल बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे, केबल बार पुश डाउन हम करेंगे ट्राइसेप्स के। 3 sets अगेन 10-12 रेप रेंज, वो भी लोडिंग पे, लोडिंग कॉम्पोनेंट पे फोकस रहेगा, फॉलोड बाय 1 super set ऑफ बाइसेप जिसमें है स्पाइडर कर्ल्स एंड फॉलोड बाय बायजियन कर्ल्स। बायजियन कर्ल आप जब करते हो तो उसमें बिकॉज योर शोल्डर इज इन अ वेरी पीछे का पोजिशन, सो जो शोल्डर फ्लेक्शन होता है जब आप नॉर्मल बाइसेप कर्ल करते हो, वो एलिमिनेट होकर यू कैन जस्ट फुली फोकस ऑन स्टिमुलेटिंग द बाइसेप। एंड उसके बाद फिर हम जो ट्राइसेप का सुपर सेट करेंगे, दैट विल बी इंक्लाइंड डंबल स्कल क्रशर फॉलोड बाय सीटेड रोप ओवरहेड केबल एक्सटेंशन। सो दैट इज आवर टुडेज आर्म वर्कआउट, लेट्स गो। पूरा सेटअप जो रहेगा, यूजली पीपल डू ऐसे आगे, दे लीन बैक एंड दे डू इट राइट। टुडे वी विल डू थोड़ा स्लाइटली बैक, स्लाइटली न्यूट्रल, एंड देन एज द बार कम्स जस्ट क्रिएटिंग एनफ स्पेस, हल्का सा पीछे किया ऑल द वे डाउन टू योर क्लाविकल एंड देन ड्राइविंग द वेट अप, ज़्यादा ऐसे नहीं, एल्बोस थोड़ी अंदर, ओके, एंड ड्राइव अप, दैट्स इट। Somebody that made promises to give you the world. I really hope they held you down. I really hope it was no lying. 'Cause my heart breaks, it feel like the world's gone. But if they love you, I hope you feel your soul. Sometimes life's a mess. I get high when I'm upset. I remember when me and love didn't click. Searching for something real, then I found it. Sometimes life's a mess. Yeah, I get high when I'm upset. I remember when me and love didn't click. Looking for something real, then I found it.
way out. Feel all of the good and bad vibrations all around. All around us, it's around us. Was a lost cause, I'm lost. Love ain't my fault, they chose us. Then I found my whole world turned upside down. But for the better. Sometimes life's a mess. I get high when I'm upset. I remember when me and love didn't click. Searching for some real, then I found it. Oh, sometimes life's a mess. Yeah, I get high when I'm upset. I remember when me and love didn't click. Looking for some real, then I found it. It's called Ottoman Eats. Oh. Yeah, I know this place. You know this place? I've heard this place. It's very tasty. I'm pretty sure Bombay mein ho gaya hai. Like, itna acha shawarma maine nahi khaya. Nahi sir, wo nahi. Wo normal hai. Tu cheese wala kha. Wo kaun sa wala? Ye mota wala. Abhi Shivi has done left, right, ulta, 360. To pata nahi. Achha, tum yehi juggling kar rahe the kya? Wo chal raha tha, left, right, kaun sa hai. Tum khana to dono hi hai na. No, that's the normal one. Eat that one. No, 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 Shivi, please. First the cheese one. First the cheese one. So, you're very hungry, huh? Yeah. मेरा अक्टूबर में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक एक शॉर्मा वाला फेज आया था जहाँ पे मैं मुंबई में मस्त हर जगह के शॉर्मा ट्राई कर रहा था. आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई हाउ दिस मुंबई का शॉर्मा भी अच्छा है. लेट्स सी पुणे में क्या बात है. साथ में बैठ लेंगे ना. श्योर श्योर. चीज वाला ये वेरी गुड. दिस इज गुड. I like it. Shivi ne approve kiya matlab bas. That's actually good. It's good. Yeah? Actually good. Actually very good. I like how there was not so much mayo, so much cream. It's the right amount of perfect cream. Amount of coleslaw, chicken, and jo veggies hain. The bread is not too hard, not too soft. And also jo shawarma ka jo chicken rehta hai, zyada hi kuch log roast ya zyada hi wo kya karte hain na? Oil dal ke. Haan, zyada fry karte hain, hard ho jata hai. But isme har cheez kaafi appropriate quantity mein hai. This is really nice. अदरक एकदम प्रॉपर मसाला था. हमने पहली बार स्ट्रॉबेरी बिस्किट ट्राई किया. अच्छा क्या वेरी गुड. ही वाज शॉक्ड बिकॉज ही सेड ये क्या है. एंड साथ में आई बोथ वर लाइक ओ माय गॉड ऐसे नहीं हो सकता. यू डोंट नो स्ट्रॉबेरी. It's you know it. You know. I'm kind of disappointed. See, I've had the biscuit. When I tasted it, It tasted familiar, but I don't know iska naam alag se hai. Nahi pata tha mereko.